बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने क्लास बीएससी सेकंड ईयर के पार्ट एट में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों आपके एट लेक्चर में न्यूटन्स रिंग तक आप लोगों ने देखा, तो आज उसी न्यूटन रिंग्स के बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसी लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शायद आपको पिछला लेक्चर याद होगा तो उसमें हम लोग करते क्या थे कि किसी सोर्स से लाइट जब चलती थी तो लेंस के थ्रू हम उसे पहले पैरेलल करते हैं और फिर मिरर के थ्रू रिफ्रैक्ट करके अगले लेंस से हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों के थ्रू रिटर्न रिंग्स बनाते थे। तो उसमें हमने दो तरीके के देखे थे, एक ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू हमने देखा था रिंग्स और वही देखा था ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू भी। तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के बाद हम लोगों ने उसका वेवलेंथ भी कैलकुलेट किया था। आज के डेट में हम लोग चेक करने वाले हैं कि अगर हम किसी पूरे ऑपरेटर्स को उठा करके किसी लिक्विड में डुबो दें और ये लिक्विड जो है एक बड़े से सिस्टम में रखा हुआ है, तो सिस्टम के अंदर भरे हुए स्पेशल एक्सपेरिमेंटल लिक्विड में सिस्टम को डुबो दिया जाए तो न्यूटन्स रिंग तो बनेंगे ही। जो न्यूटन्स रिंग बनेंगे उसके बेसिस पर हम इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे। ओके, तो ये है हमारा आज का मोटो। तो आई फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड द होल ऑपरेटर इज केप्ट इन अ कंटेनर फिल्ड विद द एक्सपेरिमेंटल लिक्विड एज शोन इन फिगर। आपको देखने में समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ माइक्रोस्कोप है, यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे, पूरा एक्सपेरिमेंटल लिक्विड में सिस्टम को डुबो दिया गया है ताकि उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सके। किसके हेल्प से? न्यूटन्स रिंग से। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि हमने कई बार बोला है कि अगर कोई लाइट ट्रांसमिट होती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस रहता है वो रहता है 2μt cos r। ओके, तो यहाँ पे लर्न होगा इन दिस केस द रिंग्स विल मेड इन लिक्विड, ऑफकोर्स लिक्विड में बनेगा क्योंकि लिक्विड यहाँ पर है। फिल्म दस इन केस ऑफ लिक्विड फिल्म लेट अस इंट्रोड्यूस द रिजल्ट फॉर अ डार्क रिंग। डार्क रिंग, अब ये डार्क रिंग आपको पता ही है कि आपका जो सबसे पहला केस था रिफ्लेक्टेड में वो डार्क रिंग का केस था। तो डार्क रिंग विद रिफ्लेक्टेड लाइट, ओके, एज यहाँ पे डार्क रिंग के लिए जो पार्ट डिफरेंस मिलेगा आपको पार्ट डिफरेंस तो लानी है। तो पार्ट डिफरेंस जो हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए देखे थे वो था 2μt cos r = mλ। याद होगा, नहीं होगा तो आप जाकर के देख लेंगे तब आपको याद आ जाएगा। तो cos r is equal to n lambda, आपको याद है कि यहाँ पर म्यू क्या है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ये कोई और नहीं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ये थिकनेस है। यहाँ पर जो फिल्म हम लोग पहले एयर फिल्म यूज करते थे आज लिक्विड है, तो लिक्विड फिल्म की थिकनेस है। cos r में r क्या है? आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और यहाँ पे n आपका इंटीजर, l lambda वो लाइट है जिसके थ्रू हम ये न्यूटन रिंग बना रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से ये भी लर्न होगा कि नॉर्मल इंसिडेंट के लिए cos r की वैल्यू, cos r जो कि रिफ्रैक्शन है, 1 होती है और t की वैल्यू हमको पता है, पिछली बार हम लोग निकाल के रखा है। तब आगे देखते फॉर नॉर्मल इंसिडेंस भी है, हमें पता ही है कि cos r की वैल्यू क्या होती है। cos r की वैल्यू 1 होती है क्योंकि r क्या है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, cos r की वैल्यू पता ही है। यहां से 2μt = nλ हो जाएगा, लैम्डा आपको पता ही है वेवलेंथ है। यहाँ पे भी ऑलरेडी है, पहले से ये पता था t की वैल्यू क्या होने वाली है, t की वैल्यू हम लोग पहले से निकाल रखे हैं। जहां पे r क्या है? आपके रिंग की रेडियस, जो न्यूटन रिंग्स बनते हैं, और r जो है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, किसका? प्लेनो कॉन्वेक्स का, जो हम प्लेनो कॉन्वेक्स नीचे यूज कर रहे थे, यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें हम लोग बना रखे थे डायग्राम, आप पीछे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या देखा कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना शुरू किया और r स्क्वायर की वैल्यू निकाली। r मैं बता दूं कि आपका रिंग का रेडियस है, यहां से r n दिख रहा है तो n के लिए nth रिंग कह सकते हैं, इसलिए हमने इस इक्वेशन को nth रिंग्स ऑफ रेडियस के लिए सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया। यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड होने के बाद हम चलेंगे इसका डायमीटर निकालने। अगर इसका डायमीटर निकालना होगा तो क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से है तो इसका डायमीटर हम dn डैश सपोज कर सकते हैं। डायमीटर निकालने के लिए क्या करना होता है? 2 से मल्टीप्लाई पहले भी निकाल चुके हैं, तो हमने यहाँ पे इसका डायमीटर निकाल लिया और ये डायमीटर आ गया 2 √nλ/μ। इसी को हमने डायमीटर के टर्म में यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, जो कि इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया गया है। ओके, और जो इससे पहले हमने बना रखा था उसमें आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए अगर नहीं लिखे होंगे तो सिमिलरली द डायमीटर ऑफ n+n, क्योंकि आपका माइक्रोस्कोप मूविंग है तो हम उस रिंग से आगे किसी n+mth डार्क रिंग
के लिए क्या करेंगे, उसका भी डायमीटर निकाल लेंगे। देखिए उसका भी डायमीटर निकाल लिया, जहां पे आपने अभी निकाला था एनथ के लिए उसमें एम ऐड कर लेंगे, और दूसरे किसी दूसरे रिंग के लिए आपने डायमीटर निकाल लिया। इसके लिए डायमीटर में एन की जगह पे बस एन प्लस एम लैम्डा आर अपॉन म्यू, सारी चीजें एज इट इज है। अब हमने उसका क्या निकाल लिया, फोर इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन, ये फिफ्थ है, उसका क्या निकाल लिया डिफरेंस, और यहां से डिफरेंस से हमको मिल जाएगा लैम्डा की वैल्यू। देखिए दोनों में लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस लैम्डा की वैल्यू से हम पहले जो लैम्डा की वैल्यू निकाल रखे थे, याद होगा आपका जो हमने वेवलेंथ निकाला था उसमें भी हमने लैम्डा निकाला था, इसमें भी लैम्डा है, दोनों लैम्डा को हम कर देंगे दोनों इक्वेट, और इक्वेट करके म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके आइए देखते हैं। केस ऑफ एयर फिल्म, वी हैव ऑलरेडी इवैल्यूएटेड द वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा गिवन बाय, आपको याद है कि हमने लास्ट टाइम लैम्डा की वैल्यू निकाल रखी थी, ये लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, डीएन प्लस एन का होल स्क्वायर, मतलब डीएन प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस डीएन का स्क्वायर अपॉन फोर एम आर, सब कुछ आपको पता है, पहले का निकाल रखा हुआ हमने, और ये किसके लिए था, एयर फिल्म के लिए था। तो इक्वेशन नंबर सेवन हमने सपोज कर लिया, इक्वेशन नंबर सेवन सपोज करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि यहाँ पे डीएन एम क्या है और डीएन क्या है, डायमीटर है एन प्लस एम के लिए और एनएच के लिए, वो भी किसके लिए, डार्क फ्रिंज के लिए। तो दोनों डार्क फ्रिंज के लिए है, एक की केसेस में डायमीटर अलग आना चाहिए क्योंकि वहां पर हमने क्या यूज किया हुआ है, लिक्विड, इसीलिए हमने आपसे पहले ही कहा कि उसके लिए हमने जहां पे लिक्विड यूज किया उसके लिए हमने डी एन डैश यूज किया है क्योंकि लिक्विड है। यहां पर फ्रॉम इक्वेशन सिक्स और सेवन दोनों को क्या करना है, आपको इक्वेट कर देना है, कौन कौन से लिक्विड के प्रेजेंस वाले और किसके, आपके विदाउट लिक्विड मतलब एयर के लिए, क्योंकि वेवलेंथ तो बदलने वाली है नहीं, दोनों का वेवलेंथ लाइट का ही वेवलेंथ है, सेम लाइट यूज किया था, दोनों को इक्वेट कर दिया, यहां से आपने म्यू की वैल्यू निकाल ली और ये म्यू की वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, यहां से म्यू की वैल्यू डी स्क्वायर एन प्लस एम डी एन स्क्वायर अपॉन डी डैश स्क्वायर डी एन प्लस एम माइनस डी डैश एन स्क्वायर। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई कि यहां से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम लिक्विड की निकाल सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं कि जो लोग डी एन डैश और डी में कंफ्यूजन में हैं, तो ये एयर के लिए रिंग का रेडियस है और ये आपके लिक्विड के प्रेजेंस में है। ओके तो यहां पर ये टॉपिक होता है समाप्त। अगले क्लास में मतलब हम लोग बात करेंगे आपके न्यूटन्स रिंग के अलग अलग फॉर्मेट के बारे में, मतलब रिंग्स के अलग अलग फॉर्मेट, इक्वल थिकनेस इक्वल इंक्लाइनेशन के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अगले लेक्चर का वेट करिए। धन्यवाद।